एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मौसम बहुत अच्छा था, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर करूं। आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। थोड़ी सी ठंड हुई हुई है और गर्मी की शिद्दत में कमी है, तो रोज़ों का तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा। पूरा दिन कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं लग रहा। सो आज मैं आपके साथ अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सो आप देख सकते हैं कितने बादल आए हुए हैं। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, बट उसके बाद से सिर्फ बादल हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था। इधर मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट बनी हुई हो ना पहले, तो फिर वो मैरिनेट हो जाती है, तो वो बहुत फिर अच्छी लगती है। फ्रेश फ्रेश बनी हुई ना, वो बहुत हार्ड हो जाती है। सो मैं सबसे पहले जो है वो फ्रूट चाट बना लेती हूँ। इधर मैं सिर्फ फ्रूट्स को जो है वॉश करके रख रही हूँ। फ्रूट चाट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और हम रोज़ा खोलते भी खजूर के बाद में हम पहले फ्रूट चाट लेते हैं, उसके बाद कोई फ्राइड आइटम लेते हैं। क्योंकि एकदम आप लोग अगर फ्राई चीज़ें ले लेंगे, मसाले वाली ले लेते हैं, तो फिर वो आपके स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आस्ता आस्ता आप लोग खाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। इधर अनाया जी बस मेरे साथ कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, तो इधर मैं इसको साथ स्कूल का काम दिया हुआ था। स्कूल तो बंद है, पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो काम मिल जाता है। इधर मैं इसको बस काम दे के आई थी, जो कि बिल्कुल खुद से बैठ के नहीं पढ़ती, इसके साथ बैठ के पढ़ाना पड़ता है। अगर छोड़ के आ जाओ तो बस ये भी आपके साथ सब पीछे ही आएगी। तो इधर मैं गर्मा सेब अमरूद और केले काट रही हूँ। इसको मैं समझा रही हूँ कि जाके ड्राइंग करो, पर नहीं। आज मैंने इफ्तारी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, एक्चुअली साथ ही बनाऊँगी मैं सहरी के लिए सालन, और बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने दही बूंदी बनाई और फ्रूट चाट, साथ पकौड़े कर लिए थे। चना चाट जो है वो हमारे घर में कोई इतने शौक से खाता नहीं है। एक दो दिन पहले मैंने बनाई थी, पर किसी ने आंटी ने थोड़ी सी खाई और मैं थोड़ी सी खाती हूँ, इमरान बिल्कुल नहीं खाते। सो फिर मैं इसलिए चना चाट वगैरह ज़्यादा नहीं बनाती। दही बूंदी है वो बना लेती हूँ दही के बगैर करके, तो जिसने डालना हो सेपरेट दही रख लेती हूँ। तो इमरान उस तरीके से पसंद करते हैं, तो मैं भी वैसे ही बना लेती हूँ। फ्रूट चाट की जो रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मैं इधर लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो बस फ्रूट्स डाल के इसमें स्क्वैश डाल के इसको तो मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग क्या बनाते हैं, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक कि सब लोग जो है वो पकौड़े तो ज़रूर पसंद करते होंगे। हम भी बनाते हैं पकौड़े, मैं आलू वाले से बनाती हूँ। आंटी और मैं मिक्स भी खाते हैं, पर इमरान को बस वो आलू वाले पसंद है, तो हमें भी ज़्यादा वही पसंद है। ये तो मेरी जो चाट है वो रेडी होगी, इसको तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है आलू कट कर रही हूँ। आई थॉट कि पहले मैं वो बना लूँ सहरी का सालन बना लूँ, क्योंकि ये सालन मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी, लेकिन हमारा दो दिन आराम से चल जाता है। हम थोड़ा लेते हैं सालन वगैरह, कम खाते हैं रमज़ान में, इसलिए जो है वो सालन वगैरह जो है वो बहुत कम बनता है। कभी हुआ तो एग ले लिया, मैं लेती हूँ तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं रोटी पे देसी घी ले लूँ साथ, वो चूरी सी बनती है साथ चाय के साथ, बस उससे आपको हैवीनेस नहीं होती। पराठों से जो ना वो बहुत हैवी हो जाता है। इधर मैं साथ के साथ ही वो कर रही हूँ, बेसन में जो है वो पकौड़ों के लिए मसाला सारा ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा बचा हुआ था कल का, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करती, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वो नेक्स्ट डे ऐड कर देती हूँ। बेसन अगर आप पहले से मिक्स करके रख लें तो अच्छा रहता है, कोई लम्प्स नहीं रहते और बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। तो इसको बना के तो मैं साइड पे रख दूँगी। इसमें वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया मैंने इधर। ऐसे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैं साथ हांडी के लिए जो प्याज है वो कट कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि पहले मैं हांडी जो है वो दूसरे में बना लूँ, उसमें बिरयानी बना लेती हूँ, तो मैंने वो उतार दिया था देश का जो है। एक्चुअली मेरे पास उस टाइम बिरयानी मसाला अवेलेबल नहीं था, तो इमरान ने कहा फिर मैं ले आता हूँ। आई थॉट कि पहले बना लेती हूँ मैं पुलाव, ये लोग ज़्यादा पुलाव पसंद करते हैं, पर मुझे बिरयानी पसंद है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा कंपटीशन लगा होता है कि किसको पुलाव पसंद है, किसको बिरयानी। आई थिंक बिरयानी वाले जो लोग हैं वो ज़रा ज़्यादा, बिरयानी हर बंदे को पसंद होती है, बिरयानी, पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज, अकॉर्डिंग टू मी। अब आप लोग बताएं कि किसको क्या ज़्यादा पसंद है।
सो इधर जो है वो मैंने सालन रख दिया हुआ है, वो बन रहा है। अब कुछ काम जो जैसे पहले से किए होते हैं तो फिर ये होता है कि आपको जो है रमज़ान में थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है, टमाटर की क्यूब्स बनी हुई हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ रही। अब मैंने सिंपली इसमें क्यूब निकाली हैं और मैं ऐड कर दूँगी। इससे जो है वो जैसे शोरबे वाला जो सालन होता है वो थोड़ा अच्छा बनता है, उससे बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इधर मैं बना रही हूँ लेमन पेपर बनाया मैंने, इसको मैं बना के ना पहले फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब तक बाकी इफ्तारी बन रही है तो ये तब तक ठंडा हो जाए। तो ये बस पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई ना आपको रमज़ान में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, क्योंकि रोज़ा रख के जो है आप जितनी इबादत करें वो ज़्यादा बेहतर है। कुरान पढ़ें और अपनी इबादत पे ज़्यादा टाइम दें रादर देन इफ्तारी। तो इसलिए पहले कर लेनी प्रिपरेशन ठीक होती है। अभी तो बस सालन बना रही हूँ और साथ मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं दही बूंदी के लिए। ये देखें मैंने सालन जो मैंने सिंपल प्याज कट करके डाला था, बाद में मैंने चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और फिर साथ ही मैंने इसमें नमक मिर्च सूखा धनिया ज़ीरा हल्दी बस ये डाल के टमाटर डाल दिए थे। और उसके बाद ज़रा 5-6 मिनट बाद जो है मैंने इसमें जब टमाटर थोड़ा सा क्यूब्स मेल्ट हो गई थी तब मैंने आलू डाला था, क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इधर जो है मैंने इधर भी 2 क्यूब्स निकाली थी, पर बिरयानी में जो है वो थोड़ा सा ना टमाटरों का ऐसे आता रहे ना थोड़े से छिलके वगैरह, वो ज़रा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़ा मसाला थोड़ा सा वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। जैसे मैंने इधर एक आधा टमाटर जो है एक्स्ट्रा काट के रख लिया था। अब मैं इधर चावल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। फ्रूट चाट तो बन गई है, दही बूंदी के लिए भी आलू बॉईल है, बस बूंदी भिगो दी है तो जितनी देर में वो होती है तो वो भी रेडी हो जाएगी। और पकौड़ों के लिए जो आलू है वो मैं बिल्कुल लास्ट में कट करती हूँ उसको। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं पानी में आलू जो है वो पहले काट कर रख देती हूँ तो उनका जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं लास्ट में कट करती हूँ। इधर मैंने टमाटर धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें काटनी है। धनिया मिर्चें जो है वो सालन में भी यूज़ हो जाएंगी और बिरयानी में भी यूज़ हो जाएंगी और दही बूंदी के लिए सारा कुछ। आज मैं चॉपिंग बोर्ड पे नहीं करी, बस थोड़ी क्वांटिटी थी इसलिए बस मैं हाथ से ही कट कर रही हूँ। अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चॉपिंग बोर्ड पर करूँ, उससे ज़रा फाइन कटिंग होती है। धनिया वगैरह अगर आप चाहें तो काट के रख दें, 2-3 दिन बहुत अच्छे से चल जाता है। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ये देखें ये मैं आपको बता रही थी, ये प्याज जो है वो छोटा प्याज जो है वो आप लिया करें ये चाट और दही बूंदी या भल्लों वगैरह के लिए, सैलड के लिए छोटा प्याज सबसे बेस्ट रहता है। बड़ा जो है वो आप हांडी में यूज़ कर सकते हैं खाने में सालन वगैरह में, क्योंकि छोटे का जो है ना वो इतने कड़वाहट नहीं होती। जो बड़ा प्याज होता है ना वो बहुत कड़वा होता है और उसका टेस्ट सैलड में नहीं अच्छा लगता। तो इधर मैंने वो कट कर लिया। यहाँ पे मैं सालन के बिरयानी के लिए भी प्याज कट कर रही हूँ, बिरयानी का मैंने मसाला रख दिया। ये देखिए हमारा जो चिकन और आलू का शोरबा है वो रेडी है। ये आंटी को और इमरान को शोरबा पसंद है, मुझे इतना शोरबा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ पर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये देखिए ये हमारा चिकन आलू जो है वो रेडी हो गया, सहरी में के लिए बेस्ट है ये। और साथ ही मेरी ये बिरयानी भी तैयार हो रही है। 3-4 दिन अगर आप ऐसे खा लो कि चाट वगैरह या भल्ले वगैरह, फिर आपको ना एक दिन कद्दल करता है कि आप रोटी खाओ या फिर चावल खाओ। मैं थोड़ी रोटी कम खाती हूँ तो इसलिए मुझे चावलों की ज़्यादा क्रेविंग होती है। यहाँ पे मैंने आलू वगैरह कट कर लिए बूंदी के लिए। साथ के साथ किचन में ये है कि आप चीज़ें समेटते जाओ, साफ़ करते जाओ, जो जो 2-2, 3-3 बर्तन होते जाए वो धो लो, तो फिर इफ्तारी के बाद जो है ना वो काम कम हो जाता है। वन अफ्तारी के करने के बाद बिल्कुल उठा नहीं जाता, बस उस टाइम जो 2-4 प्लेटें होती हैं आप बस वही धो सकते हो, उससे ज़्यादा काम नहीं होता, या चाय बना लो, दैट्स इट। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इफ्तारी से पहले बर्तन भी कर लूँ, काउंटर्स वगैरह भी साथ के साथ क्लीन कर लूँ, लेकिन फिर भी इतना काम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो बैटर है वो मैंने रेडी किया हुआ था,
मैं बिल्कुल पतली कोटिंग करती हूँ पकौड़ों पे ना, ताकि बेसन जो है वो हम कम ही खाएं। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग हो ना बेसन की तो फिर बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है, वो ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो मैं बिल्कुल पतली सी कर रही होती हूँ। आज मैं बस आलू वाले बनाऊंगी और थोड़े से रोल बनाऊंगी। रोल जो है वो बिल्कुल लाइट हैं, ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो मुझे बहुत पसंद है रोल वगैरह। मैंने इधर ड्रेन करके उसको वैसे ही रख दिया ताकि उसमें से अच्छे से ऑयल ड्रेन हो जाए। और इधर इमरान मेरी हेल्प कर रहे थे, थोड़ी सी देर रह गई थी रोज़े में, रोल वगैरह पका रहे थे और उन्होंने टेबल सेट कर दिया था। ये बहुत हेल्प हो जाती है कि लास्ट में आपकी कोई हेल्प कर दे कि टेबल अरेंज कर दे और चीज़ें रख दें। और इधर बिरयानी में से मैं इलायचियाँ निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुझे बिरयानी पसंद है लेकिन बिरयानी में इलायची आई हुई तो बहुत बुरी लगती है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, चावल मैंने बॉईल करके रख लिए थे साथ, बाकी सब कुछ रेडी है। और बस बिरयानी में दही ऐड करना है, दही में मैंने आलू बुखारे डाल के ऐड कर दिया। बिरयानी की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, मैं इधर लिंक शेयर कर दूँगी अगर किसी ने देखनी है। आप एक बार इस तरीके से आप ट्राई करिएगा तो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ के साथ मैं ये काउंटर साफ कर रही हूँ। ये हो गया था कि मेरी जो अफ्तारी है वो रेडी जल्दी हो जाती है, 10 से 15 मिनट पहले मैं बैठी हुई होती हूँ टेबल पे, क्योंकि वो टाइम जो होता है उस टाइम पे आप दुआ करें और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का एफर्ट के बाद। उस टाइम पे आपको ज़रा पीसफुली 5-10 मिनट अपने लिए दुआ करनी चाहिए और घर के लिए, रिस्क के लिए, रहमत के लिए, अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए। ये देखें इधर जो है मेरी इफ्तारी रेडी है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।